मथुरा में यमुना एक बार फिर उफान पर है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर यमुना ने जो अपना विकराल रूप दिखाया था और यहाँ के जो निचले इलाके हैं उनमें यमुना का पानी आ गया था और वहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया था। वहाँ से वो बाढ़ राहत शिविर जो खोले गए थे, जो मथुरा प्रशासन द्वारा खोले गए थे, उनमें पहुँचाए गए थे। लेकिन कुछ समय के लिए ही, कुछ दिनों के लिए ही कहें तो हम उन इलाकों में राहत मिली थी और फिर एक बार यमुना उफान पर है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के प्रयाग घाट पर। आप सामने देख सकते हैं कि यही वो मीटर लेवल है, यही वो मीटर लेवल है जहां पर यमुना का वाटर लेवल लिया जाता है और इसी वाटर लेवल के हिसाब से मथुरा प्रशासन अपनी बाढ़ से निपटने की तैयारी करता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से यमुना पूरे उफान पर इस समय बह रही है और हम इस समय मौजूद हैं बंगाली घाट और विश्राम घाट के आसपास। यहाँ से आप यमुना का ये रूप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यमुना पूरे उफान पर बह रही है। यमुना में बढ़ते जल स्तर को लेकर अगर जिला प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने यहाँ पर 5 कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिनमें से 4 कंट्रोल रूम आसपास जो यमुना के आसपास तहसीलें पड़ती हैं उनके बनाए गए हैं और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर बनाया गया है। और बाढ़ से निपटने के लिए यहाँ पर 33 बाढ़ चौकियाँ भी बनाई गई हैं, वह भी दोबारा से अपना काम उन चौकियों ने करना शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। अगर यहाँ से वाटर लेवल मानो अगर कोई ज़्यादा बढ़ता है तो सभी उन इलाकों में ये सब लोग सक्रिय होंगे, पूरा जिला प्रशासन सक्रिय होगा और वहाँ से लोगों को फिर दोबारा से निकाल कर राहत शिविरों तक पहुँचाया जाएगा जब तक यमुना अपने उफान को कम नहीं करती है। यमुना का जलस्तर जब तक नहीं नीचे आता है तब तक। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अभी कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहां पर यमुना के पानी ने प्रवेश किया है, वह भी खादर के इलाके हैं। लेकिन अभी सभी इलाके ऊंचे जो हैं वो सुरक्षित हैं, वहां पर यमुना का पानी अभी नहीं पहुंचा है। मथुरा के प्रशासन की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, तो वह अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और अगर यमुना का पानी ज़्यादा बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए मथुरा के पास, मथुरा प्रशासन के पास पूरे इंतजाम उपलब्ध हैं और वह अपनी तैयारी कर चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।